हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। सो क्वेश्चन है, पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एन एंड पी प्लस क्यू इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाइड क्यू इक्वल्स टू टेन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड एन। ठीक है, ये क्वेश्चन में अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे हमें पी प्लस क्यू एंड पी मल्टीप्लाइड बाई क्यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। ओके, हमारे पास गिवन पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, गिवन पॉलिनोमियल क्या है हमारे पास, एम एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस एन है। ठीक है, बट हमें पता है कि अगर ये पॉलिनोमियल थोड़ा अलग होता, मतलब कि जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वैसा होता, वी नो दैट अगर ये चीज़ें ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता तो इसके दो रूट्स आते हैं। कौन से दो रूट्स होते हैं, अल्फा प्लस बीटा, इसका समेशन क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा दैट इज सी बाई ए, ये हमें मालूम है। ओके, इस इक्वेशन को जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक फॉर्म का, उसको हम ऊपर वाले गिवन पॉलिनोमियल के साथ कंपेयर करेंगे। साथ ही साथ अगर हम यहाँ पे ध्यान दें, यहाँ पे रूट्स का समीशन माइनस बी बाई ए है और यहाँ पे रूट्स का समीशन का वैल्यू हमें दिया हुआ है 10। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो हमें ध्यान में रखना है। ओके, चलो कंपेयर करते हैं। देयरफॉर यहाँ पे व्हाट इज माई ए, ए इज माई एम, what is my b, that is minus 5, and what is c is n। ठीक है, इसको मैंने इसके साथ मैंने कंपेयर किया तो ये रिजल्ट हमें मिला, फाइन। उसके अलावा एक बहुत ज़रूरी चीज़, अल्फा प्लस बीटा यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, p एंड q रूट्स है और उसका वैल्यू दिया हुआ है 10। ठीक है, उसी तरह अल्फा इंटू बीटा दैट इज p इंटू क्यू एंड उसका भी वैल्यू दिया हुआ है 10। बस इतना हमें समझना था, इसके बाद हम डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और m और n की वैल्यू निकाल पाएंगे। ठीक है, देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस b बाई ए होता है, बट अल्फा प्लस बीटा क्या है, p प्लस क्यू है, माइनस b क्या है हमारे पास, माइनस 5, व्हाट इज माई a, m है। p प्लस क्यू पे अगर हम ध्यान दें तो p प्लस क्यू की वैल्यू दी गई है 10, दिस इज 5 एंड दिस इज m। अगर मैं इसको m के लिए सॉल्व करूँगा तो क्या हो जाएगा, दिस विल बी 5 बाई 10 एंड दिस विल बी हाफ। आई होप ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, नाउ सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, n की वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो अल्फा इंटू बीटा इज वॉट, सी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इस केस में क्या है, p इंटू क्यू है, c क्या है हमारे पास, n है, वॉट इज माई a, a क्या है, m है, m की वैल्यू ऑलरेडी हमने यहाँ पे निकाल ली है, आई होप ये दिख रहा होगा, p इंटू क्यू 10 है और m की जगह हम क्या लिखेंगे, हाफ लिखेंगे, तो 1 डिवाइडेड बाई, इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। सो दिस विल बी 10 इक्वल्स टू, ये 2 हमें पता है रेसिप्रोकल है तो ये ऊपर चला जाएगा, दिस विल बी 2n, देयरफॉर 10 डिवाइडेड बाय 2 n इक्वल्स टू 5 और m की वैल्यू क्या आई थी, m की वैल्यू थी हाफ। सो दिस इज द फाइनल आंसर। आई होप ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।